Good morning class, this is our new Anna Physio class in which today we will study about the remaining portion of male reproductive system, in which first of all we will study about the seminal vesicle. ये क्या है? ये एक accessory sex organ है male के अंदर, जो कि prostate के दोनों side lower abdomen में, prostate के दोनों side पाया जाता है. इनमें हर एक में शॉर्ट डक्ट होती है जो कि जॉइन होती है डक्टस डिफरेंस के साथ में एम्प्यूला पर, और एक इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाती है जो कि यूरिथ्रा में एम्प्टी करती है अपने मैटर को, अपने सबस्टांस को या अपने सीक्रीशन को. क्या है सेमिनल वेसिकल? शॉर्ट डक्ट है जो कि डक्टस डिफरेंस के साथ में एम्प्यूला पर ज्वाइन होती है, और फिर ये इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाती है, और फिर इजैक्यूलेटरी डक्ट के द्वारा ये यूरिथ्रा में अपने कंटेंट को खाली करती है. इसका फ्लूड विस्कस और म्यूकॉइड नेचर का होता है. इसका फ्लूड किससे बनाता है? फ्रक्टोज से. सेमिनल वेसिकल फ्लूड, जिसको सेमिनल फ्लूड अपन कहते हैं, फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोटीन्स, पेप्सिनोजन, एस्कॉर्बिक एसिड और सिट्रिक एसिड का बना होता है. फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोटीन्स, पेप्सिनोजन और एस्कॉर्बिक एसिड और सिट्रिक एसिड का बना होता है. यहाँ आप देख सकते हैं भाई, ये डक्टस डिफरेंस बताया गया, ये एम्पूला जहाँ पे ज्वाइन हो रहा है सेमिनल वेसिकल पास में बताई गई हैं. सेमिनल वेसिकल एम्पूला से होते हुए डक्टस डिफरेंस एम्पूला के पास, एम्पूला पर डक्टस डिफरेंस से जुड़ती है और इजैक्युलेटरी डक्ट बनाती है. इजैक्युलेटरी डक्ट दिखाई गई जिसके दोनों तरफ प्रोस्टेट बताई गई है, ये यूट्रिकल से यूरेथ्रा में खुल रही है. अब ये स्पर्म का पाथवे आप देख सकते हो, ये टेस्टिस से स्पर्म जो है वो आया, ये एपिडाइमस से होता हुआ ये जा रहा है वासा डिफरेंस में, वासा डिफरेंस से होता हुआ यहाँ पर सेमिनल वेसिकल अपना सिक्रीशन इसके अंदर ऐड करेगा, और यहाँ से प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीशन ऐड करेगी, उसके पास बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ऐड करेगी, और ये फाइनली कहाँ पे जाएगा? यूरेथ्रा के अंदर जाएगा, और यूरेथ्रा से पेनिस के थ्रू बाहर डिस्चार्ज हो जाएगा. बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो इस, वो ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूड ऐड करती है स्पर्म के पैसेज के अंदर, यूरेथ्रा के द्वारा स्पर्म का पैसेज जो है उसमें ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ऐड करती है. ये स्पर्म का पाथवे है. अब इसका फंक्शन क्या होता है भाई ग्लैंड का? ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, सीमेन को क्लॉट करती है और फर्टिलाइजेशन में हेल्पफुल होती है. स्पर्म को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगी, सीमेन को क्लॉट करेगी और फर्टिलाइजेशन में हेल्पफुल होगी. नेक्स्ट एसेसरी ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये सारी सारी एसेसरी ग्लैंड्स हैं. ये ग्लैंड्स फ्लूड का सिक्रीशन करती है जो कि यूरेथ्रा में एंटर होता है. एसेसरी ग्लैंड्स फ्लूड का सिक्रीशन करेगी जो यूरेथ्रा में एंटर होएगा. अब सेमिनल फ्लूड, जिसको आप सीमेन भी कहते हैं, ये सेक्सुअल एक्ट के दौरान इजैक्यूलेट होता है. इजैक्यूलेट ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट किसका बना होता है? स्पर्म और एसेसरी ग्लैंड के प्रोडक्ट का बना होता है. स्पर्म और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सीक्रीशन जो है कंट्रीब्यूट करता है एक केवल स्मॉल वॉल्यूम को, क्योंकि बाकी और भी चीज़ों का सीक्रीशन इसके अंदर मिला होता है. सीमेन की प्रॉपर्टीज़, की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.028, वॉल्यूम होता है 2 से 6 ml पर इजैक्यूलेशन, इसका वॉल्यूम डिस्चार्ज होता है, और पीएच होती है इसकी 7.5. सीमेन का कंपोजिशन, सीमेन में 10% स्पर्म होते हैं, 60% सेमिनल वेसिकल का प्रोडक्ट और 30% प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रोडक्ट होता है. मैंने एकदम सिंपल सिंपल छोटे छोटे से चीज़ों में, पॉइंट्स में चीज़ें समझाने की आपको मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना लगे. बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस मैं नहीं भर रही हूँ इसके अंदर, मैंने सीधा पॉइंट्स में बताया ताकि आप याद कर सकें, समझ सकें और अच्छे से एग्ज़ाम में लिख सकें, क्योंकि पूरा पेपर अटैम्प्ट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पेपर काफ़ी बड़ा आता है ना फिजियो का, आपको पता होना चाहिए. अब इसी में अपन प्रोस्टेट ग्लैंड भी पढ़ लेते हैं सेमिनल के साथ में. इसमें 20 से 30 सेपरेट ग्लैंड्स की ये बनी होती है, वेट लगभग 40 ग्राम होता है, यूरेथ्रा में ये खुलती है. पोजीशन ये पैल्विक कैविटी में, रेक्टम के फ्रंट में और सिम्फासिस प्यूबिस के पीछे सिचुएटेड होती है. रेक्टम के आगे और सिम्फासिस प्यूबिस के पीछे प्लूरिक कैविटी में सिचुएटेड होती है. करैक्टरिस्टिक
प्रोस्टेट का सीक्रेशन थिन होता है, मिल्की कलर का, एल्कलाइन नेचर का होता है, थिन मिल्की कलर्ड और एल्कलाइन नेचर का प्रोस्टेट का सीक्रेशन होता है। किसका बना होता है? सोडियम, कैल्शियम, जिंक। जिंक आपको लग रहा होगा सी से लिखते हैं, कई लोग के से भी लिखते हैं, आप सी से लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिट्रेट, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, क्लॉटिंग एंजाइम्स जैसे और भी चीज़ें इसके अंदर मिली होती हैं प्रोस्टेट के सिक्रीशंस में। प्रोस्टेट का फंक्शन क्या है भाई? ये फर्टिलाइजेशन के लिए पीएच को मेंटेन करता है, यूरिन के आउटफ्लो को भी कंट्रोल करता है, ह्यूमन बॉडी से बाहर यूरिन के फ्लो को कंट्रोल करता है, और मिल्की फ्लूड को सीक्रीट करता है जो कि स्पर्म के साथ मिल करके सीमेन बनाने का काम कर रहे होते हैं। स्पर्म के साथ मिलते हैं और सीमेन के अंदर सीमेन बनाने का काम करता है ये प्रोस्टेट ग्लैंड का सीक्रीशन। ये डायग्राम देख सकते हैं आप, क्रॉस ऑफ पैनिस दिखाया गया है, यूरिनरी ब्लैडर के ट्राइगोन पहले पढ़े थे अपन ने, एक्सक्रीटरी सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था, ये यूरेटर है जो इसमें खुल रहा है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ टेस्टिस है, बस वही बार बार एक एक चीज़ का क्या बताऊँ मैं आपको। ये प्रोस्टेट है, ये प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा है, ये प्रोस्टेट फूल जाए तो ये प्रोस्टेटिस्ट यूरेथ्रा जो होती है वो नैरो हो जाती है, जिसको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया कहते हैं। एज बढ़ने के साथ ऐसी कंडीशन दिखाई देती है कि ये नैरोइंग हो जाती है यूरिथ्रा की, क्योंकि प्रोस्टेट में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो यूरिन पास में दिक्कत होती है। ये इजेक्यूटरी डक्ट की ओपनिंग है, डक्टस डिफरेंस दिखाया गया है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बताई गई है, ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है, क्रस ऑफ पैनिस, बल्बो यूरेथ्रल डक्ट्स की ओपनिंग, कॉर्पस पंजियोसम। ठीक है, बस ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, इसको तो ऐसा का ऐसा आपको रट्टा मारना है, तो बैठ करके डायग्राम को बनाने की प्रैक्टिस करिए भाई, अपने घर पे रफ कॉपी लेकर के बैठिए, डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू क्लास।